केंद्र सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा, पोषण, उच्च शिक्षा आदि के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में ही एक है शादी शगुन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक सौगात दी है। अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियां उच्च शिक्षा जारी रखना चाहती हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार ने शादी शगुन योजना शुरू करी है। इस योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 51,000 रुपए शादी शगुन के लिए दिए जाएंगे। शादी शगुन योजना को देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और ले सकते हैं भारत सरकार से 51,000 का शगुन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, व्यापार मंच में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय में खास तौर पर मुस्लिम समाज में लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। मुस्लिम समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्थान मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन ने शादी शगुन योजना का प्रस्ताव रखा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2017 को शादी शगुन योजना लॉन्च की। इस योजना का मकसद मुस्लिम लड़कियों और उनके अभिभावकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि लड़कियां विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर की पढ़ाई को पूरी कर सकें। शादी शगुन योजना का लाभ उन्हीं मुस्लिम लड़कियों को मिलता है जिन्होंने स्कूली स्तर पर बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हासिल की है। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की सारी डिटेल आपको scholarship-maef.org से मिल जाएगी। इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय की लड़कियों को दी जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि क्या है शादी शगुन योजना का उद्देश्य, किस उद्देश्य के तहत इसको लॉन्च किया गया है। शादी शगुन योजना के तहत जो मुस्लिम लड़कियां शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेंगी, उन्हें मोदी सरकार शादी में शगुन के रूप में 51,000 रुपए देती है। योजना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के अभिभावकों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए अब जानते हैं कि कौन उठा सकता है शादी शगुन योजना का लाभ। शादी शगुन योजना का लाभ उन्हीं मुस्लिम लड़कियों को मिलेगा जिन्होंने स्कूली स्तर पर बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हासिल की होगी। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई पूरी करना भी अनिवार्य है। शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की का मुस्लिम समुदाय से होना भी जरूरी है। शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए स्नातक की पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही की जानी चाहिए। मुस्लिम लड़की भारत की नागरिक हो और लड़की के माता पिता की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने ये तो बता दिया कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आप www.maef.nic.in पर क्लिक करिए। इस लिंक को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट पर आपको स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स का एक सेक्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ जाकर आपको शादी शगुन योजना का फॉर्म फिल करना है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी, उसे आप अपने फ्यूचर ट्रैक के लिए अपने पास रखिए और इस तरह आप घर बैठे शादी शगुन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। एंड दोस्तों, शादी शगुन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आप केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से भी ले सकते हैं। SSY योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.india.gov.in/schemes-maulana-azad-education-foundation पर जाकर भी ले सकते हैं। इस लिंक को भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके सारे डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।